नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे ये दो मिनी ब्लूटूथ स्पीकर। तो दोस्तों ये है MC ब्रांड की तरफ से आने वाले दो मिनी ब्लूटूथ स्पीकर। तो दोस्तों ये है मॉडल M3 एंड ये है मॉडल M5। तो चलिए चेक कर लेते हैं स्पीकर्स को। तो दोस्तों ऐसी कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है इन स्पीकर्स की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो आपको मिल जाती है एक माइक्रो USB केबल चार्जिंग के लिए, एंड यहाँ पर आपको एक स्लीव मिल जाती है स्पीकर में लगाने के लिए। एंड यहाँ पे दोस्तों ये हमारा मॉडल M3, ये देखिए कुछ ऐसा दिख जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों देखें तो देखिए इसमें भी आपको एक स्लीव मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे ये है हमारा मॉडल M5, देखिए ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। तो चलिए पहले आपको इनका फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ है, स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी छोटे साइज़ में, एकदम मिनी ब्लूटूथ स्पीकर है ये। एंड यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये स्पीकर की ग्रिल देखने को मिल जाती है, मेटालिक ग्रिल है ये, मेटल से बनी हुई है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ऐसा कुछ डिज़ाइन है इसका, पूरा का पूरा ये राउंड शेप है। एंड ये दोस्तों जो बॉडी है ये एल्यूमिनियम फ्रेम दे रखा है, मेटालिक है और काफ़ी सॉलिड है ये। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर मैं इसकी वेट की बात करूँ तो वेट भी इसका काफ़ी ठीक ठाक है, हल्का फुल्का सा नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे देखिए MZ लिखा हुआ है। एंड यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इसमें आपको सिंगल बटन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए छोटा सा होल दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों आप ये वाली जो स्लीव है ये लगा सकते हो। तो चलिए ये आपको लगा के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ऐसा कुछ आप ये स्लीव लगा सकते हो स्पीकर में, और आप इसे देखिए ऐसे कुछ बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों स्पीकर की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस दूसरे वाले को तो ये है दोस्तों M5 मॉडल, और यहाँ पे देखें तो ये भी दोस्तों जो फ्रेम है ये पूरा एल्युमिनियम फ्रेम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी बिल्ड क्वालिटी दे रखी है। एंड यहाँ पे आपको मेटालिक ग्रिल देखने को मिल जाती है, अंदर स्पीकर है। एंड यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे भी एक बटन दे रखा है। एंड यहाँ पे भी देखिए आप ये स्लीव लगा सकते हो जो कि आपको साथ में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों इसको अभी हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे बटन दे रखा है, इसको अगर आप होल्ड करोगे तो ये ऑन हो जाता है। वेलकम टू MC म्यूजिक वर्ल्ड। देखिए अभी ये पेयरिंग के लिए पूरा रेडी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप ब्लू कलर की 3 LED लाइट्स भी आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसको भी अभी हम ऑन कर लेते हैं। ये देखिए वेलकम टू MC म्यूजिक वर्ल्ड। तो चलिए इन्हें फ़ोन से पेयर कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसी इनकी साउंड क्वालिटी है। तो दोस्तों फ़ोन से पेयर करने के लिए आपने फ़ोन के ब्लूटूथ में जाना है, एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है। तो देखिए ऐसा शो करेगा M3, तो यहाँ पे आपने जस्ट टच करके इसको फ़ोन से पेयर कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पीकर हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो चुका है, बैटरी दिखा रहा है 80% ये चार्ज है। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है। तो चलिए दोस्तों कुछ नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले करते हैं स्पीकर में। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा इसकी जो साउंड आउटपुट है स्पीकर की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाउड है। एंड यहाँ पे साउंड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। स्पीकर दोस्तों छोटा सा है बट यहाँ पे आपको साउंड आउटपुट काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको पीछे जो बटन मिल जाता है इसे आप देखिए म्यूज़िक को प्ले पॉज भी कर सकते हो। ये देखिए अगर आप यहाँ पे इसे सिंगल प्रेस करते हो तो देखिए आप म्यूज़िक को प्ले या पॉज भी कर सकते हो इससे। तो चलिए दोस्तों अब इस स्पीकर की भी साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं, इसको भी फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ शो करेगा स्पीकर M5, तो जस्ट आपने इसको टच करके फ़ोन से पेयर कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो देखिए M5 स्पीकर भी हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है। Run away.
can't even look back. You carved out your name in my arms. Run away so fast. Run away, you can't even turn back. तो यहाँ पे दोस्तों आपने साउंड आउटपुट दोनों ही स्पीकर्स की सुन ली है। दोनों ही स्पीकर की साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, एंड यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस बताऊँ जो मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे M3 का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है M5 से। ये थोड़ा सा मुझे लाइट वेट लगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। दोनों ही हैवी है, बट ये थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा हैवी लगा मुझे M3। एंड यहाँ पे दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड दोस्तों आप इनको ट्रू वायरलेस मोड पे भी यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए क्या है कि दोनों ही जो है मॉडल सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दोनों ही स्पीकर ऐसे M3 वाले हैं तो आप देखिए इनको ऐसे ट्रू वायरलेस मोड पे यूज़ कर सकते हो, दोनों को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। बट उसके लिए दोनों ही स्पीकर सेम होने चाहिए, जैसे M3 M3 होने चाहिए या फिर M5 M5 होने चाहिए। बट अभी हमारे पास M3 और M5 है तो ये आपस में ट्रू वायरलेस मोड पे कनेक्ट नहीं होंगे, बट सेम मॉडल होगा तो आप ट्रू वायरलेस मोड पे भी इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों स्पीकर आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दोस्तों दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।